पूनम जी के किचन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं चॉकलेट बिस्किट से रोल मिठाई। तो रोल मिठाई जो बनाने में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगती है, यह मिठाई बनाने में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगती है। तो चलिए इस मिठाई को हम लोग बनाते हैं। देखिए इस मिठाई की टेक्सचर कितनी अच्छी होती है। ये देखिए इस तरह से इस मिठाई की टेक्सचर है। आज मैं आपको बिस्किट से मिठाई बनाना बताऊंगी दिवाली के त्यौहार में। तो बिस्किट से मिठाई बनाने के लिए मैंने चॉकलेट फ्लेवर के क्रीम बिस्कुट लिया है। इसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से करके तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद इसे मिक्सर ग्राइंडर में हम ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से करके सारे बिस्कुट को तोड़ देते हैं। देखिए मैंने बिस्कुट को ग्राइंड कर लिया है मिक्सर में। ये हमारी दो पैकेट बिस्कुट थी, दो पैकेट का मतलब 20 बिस्कुट का पीस थी। इसे मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया। अब इसमें हम 4 चम्मच पाउडर, मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर डाल के इसे अच्छी तरीके से मिला देंगे, इस तरह से करके। आप इसमें नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने काजू के कुछ पीसेस है, इसे काट लिया है, ये डाल देंगे। कुछ पिस्ता बादाम के पीस है, इसे डाल देते हैं। और कुछ बादाम के पीस है जिसे मैंने बारीक काट लिया है। और फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर, अब इसे अच्छी तरीके से मिला देते हैं। अब इसमें हम थोड़ी थोड़ी दूध डालकर इसे मिलाएंगे अच्छी तरीके से। एक बार में आप इसमें ज़्यादा दूध नहीं डालें, दूध ठंडा नहीं होना चाहिए, ना गरम होना चाहिए। दूध गरम करके हम इसे ठंडा कर लेंगे। अब इसे हाथों की सहायता से अच्छी तरीके से मिला देंगे हम। आप चाहे तो इसमें कोकोआ पाउडर भी डाल सकते हैं। कोकोआ पाउडर से इसमें फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। ऐसे तो बिस्किट तो चॉकलेट बिस्कुट ही है, फिर भी आप इसमें कोकोआ पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी और दूध डालेंगे तो इसकी वेंडिंग होने लगेगी। इसकी कितनी अच्छी तरीके से वेंडिंग हो रही है, एकदम सॉफ्ट क्रीमी क्रीमी सी बन गई, क्योंकि ये क्रीम बिस्कुट भी है ना। आप इसमें कोकोआ पाउडर भी डाल सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें कोकोआ पाउडर 2 चम्मच के करीब डाला है। कोकोआ पाउडर डालने से इसमें फ्लेवर बहुत ही अच्छी आती है। अब इसे चलिए हम लोग शेप दे देते हैं। देखिए अब इस तरह से करके हम इसकी शेप दे देते हैं। इस तरह से मैंने इसे चौको शेप में दे दिया है। अब इसे हम क्या करेंगे, फॉइल पेपर लेंगे और इसे फॉइल पेपर में लपेट कर इसे फ्रिज में रख देंगे। ये देखिए इस तरह से करके हम इसमें फॉइल पेपर में इसे रख देते हैं और इसे इस तरह से फॉइल पेपर में लपेट देते हैं। आधा घंटा के लिए इसे फ्रिज में रख देंगे। आधा घंटा हो चुके हैं, अब हम इसे देखते हैं ये हमारी मिठाई कितनी सेट हुई है। वाओ देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारी मिठाई सेट हो गई है। अब हम इसे गार्निश करने के लिए चांदी के वर्क से हम इसके गार्निश कर देते हैं। अब हम इसे साइड से पहले इस तरह से करके काट देते हैं। जब हम मिठाई काटेंगे तो हम अपने चाकू को साफ कर लेते हैं। उसके बाद फिर दूसरा पीस हम इस तरह से करके काटेंगे। एक एक करके हम सारे पीसेस को काट देंगे। हमारी मिठाई बनके तैयार हो गई है। आप लोग भी इसे दिवाली पे अपने घर पे बनाइए और हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप लोगों को हमारी मिठाई कैसी लगी। अगर आप लोगों को हमारी मिठाई अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू। हमारे तरफ से सभी को हैप्पी दिवाली।